हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स टू मैक थिंग। आज टैलेंट एग्जीबिशन में हम आपके लिए लाए हैं सविता जी मुनौत का टैलेंट, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग। आइए मिलकर सुनते हैं सविता जी की लिखी कविता। नमस्कार, मैं सविता अतुल कुमार मुनौत, मैं कुकाना तालुका नेवासा डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। प्रस्तुत है आपके सामने मेरी एक स्वरचित कविता जिसका नाम है बेटियाँ। माँ पापा की परी होती है बेटियाँ, माँ पापा की परी होती है बेटियाँ, हर किसी के घर नहीं होती है बेटियाँ। बड़े खुश नसीब है वो जिनके घर होती है बेटियाँ। जो घर भगवान को पसंद आए उसी के घर भेज देता है बेटियाँ। घर में एक मीठी सी किलकारी होती है बेटियाँ, चाहे जिधर से भी गुजरो एक मीठी सी हलचल मचा देती है बेटियाँ। बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है, तो दोनों खानदान का नाम रोशन करती है बेटियाँ। बेटा दीपक तो ज्योति होती है बेटियाँ, हर काम में निपुण होती है बेटियाँ, हर काम में बेटों से आगे होती है बेटियाँ। तू लक्ष्मी, तू सरस्वती, तू रणरागिनी, तू यवता, तू दुर्गा, तू चंडिका, तू अन्नपूर्णा, तू रानी लक्ष्मी, नाना रूप है तेरी बेटियाँ। हवस के शिकारी तुझे अपने हवस का शिकार बनाते हैं बेटियाँ, क्या सच में हमारे देश में सुरक्षित है बेटियाँ। खुद दुखी रहकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती है बेटियाँ, हर किसी के घर नहीं होती है बेटियाँ। बड़े खुश नसीब है वो जिनके घर होती है बेटियाँ। तू सदा खुश रहना बेटियाँ, हर सपना साकार हो तेरा बेटियाँ। तू सदा खुश रहना बेटियाँ। शिवानी जी खंडेलवाल, जेजेस और सभी टीम मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आपको ये टैलेंट कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।